और ये बयान जो सांसद जी ने दिए है कि आबाद पे इसका विभाग किया जाएगा और पूछा जाएगा कि मैंने तो कहा हमें अपनी फसल की गारंटी भी चाहिए किसी भाव में बिकेगी, चाहे धान की गारंटी लें, चाहे आलू की गारंटी लें, चाहे ज्वार की गारंटी लें, उनको गारंटी देना पड़ेगी। दिया है मीडिया के माध्यम से, वो बताना चाहता हूँ कि वो क्षेत्र में घुसने की चेष्टा न करें। मैं चैलेंज देता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री जी ने अपनी मजबूरी और अपनी विनती मान करके, गलतियां मान करके बिल को वापस किया है, लेकिन यहाँ के सांसद जी ने इसे बंद किया दिया। मालूम है आप लोगों को, ये प्रधानमंत्री से बहुत बड़े मुकदमे हैं हमारे समझ में। ये स्टेटमेंट दिया कि मजबूरन ये बिल वापस करने पड़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल वापस ना हो। मैं किसानों के फिर पैरों में बेड़ियां लगेंगी। जो किसानों की बेड़ियां खोली गई थी मानी इन तीनों बिलों के माध्यम से, ये बिल वापस नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से कुछ गुमराह किसानों को कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल द्वारा जिस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा था, देश का बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मजबूरी में माननीय प्रधानमंत्री ने वो तीनों बिलों को वापस करने का, जो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, तो वो वापस किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कायदा में किसानों के आज तक लगभग 2 वर्ष हो गए तीनों के बिल पास हुए, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी इन बिलों से किसी किसान का नुकसान नहीं हुआ। किसान बराबर अपनी मंडी में बेचे, चाहे अपने घर पर बेचे, चाहे अपने उत्तर प्रदेश के बाहर बेचे या देश के किसी कोने में बेचे, ये जो देश की आज़ादी के बाद में जो किसानों की बेड़ियाँ पड़ी थी, आज ये तीनों बिल फिर वापस हो गए, फिर बेड़ियों का काम करेंगे। मैं तो फिर प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा इनको सरलीकरण किया जाए और किसानों को जो बेड़ियाँ पड़ी हुई मंडी के जो बेड़ी है वो हटाई जाए। जाने किसान जो टिकायत हैं वो किसानों के हित में हैं कि वो उद्योगपतियों के हित में हैं, किसानों का आंदोलन करते हैं, किसानों का हित कर रहे हैं। वो उनसे पूछा जाए, वो मुझे बताएं कि कौन से किसान का नुकसान आज तक हुआ है बिल पास हुए, वो क्यों इन तीनों बिलों के लिए, उनके पिताजी जब महेंद्र सिंह टिकैत थे वो आंदोलन करते थे, मैं भी उनके साथ एक छोटे से संगठन में मैंने काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है ये तीनों बिल हमारे फर्रुखाबाद में है। आप लोग बताएं कि फर्रुखाबाद में किस किसान को नुकसान हुआ है। अब ये तीनों बिल फिर वापस हो जाएंगे और किसान के पैरों में जो प्रदेश और प्रदेश के बाहर बेचने की जो स्वतंत्रता थी वो छिन जाएगी, फिर उसके पैरों में हाथों पैरों में भेड़ियाँ पड़ जाएंगी। तो वो किसान के हित में है, किसान के दुश्मन है। कलेक्ट्रेट में क्या किसान यूनियन की तरफ से आयोजित किया गया? आज जो मोदी जी ने बिल वापस की बात कही कल, उसको नहीं रहा। किसान सड़कों पे कलेक्ट्रेट में आकर के अपनी आतिशबाजी और ढोल बजानों के साथ आ गया और इतने अंदर से खुशी है कि आज मोदी जी एक सरकार किसानों के प्रति झुक गई और किसानों की जीत हुई। काफी 11 महीने के अंतराल लड़ते लड़ते किसान जीता है, सरकार झुकी है, सरकार को हराया है मैंने। और आने वाले समय 2022 में ये मोदी और योगी ना जाने कि किसान हमें को वोट दे देगा, ये लुभाने की बात नहीं, और ये वोट में भी हारेंगे, इनको उत्तर प्रदेश की गद्दी भी जाएगी, क्योंकि हमारे 700 किसानों सहित कौन नेता है जिसको आप वोट देंगे है? कौन नेता देश में ऐसा जो समय आएगा, जो समय आएगा, जो किसान इसकी बात करेगा, जो किसान इसमें लड़ेगा किसानों के साथ, उसी को हम वोट देंगे। तमाम बीजेपी सरकार भी जब सत्ता में आई थी उसने भी किसानों के हित की बात कही थी? नहीं कही थी मैंने,
मैंने किसानों ने इसलिए चुना था कि ये अच्छे दिन आएंगे किसानों के। अच्छे दिन कहाँ आए किसानों के? इन्होंने कहा था किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएंगे, काला धन निकाला जाएगा, ये सब झूठ बोले थे, इसलिए किसान इनसे हट गया। अगर ये करके दिखा देते तो किसान इनसे नहीं हटता। इनकी लड़ाई किसान की इसी बात की थी, जिनने जो कहा वो नहीं करके दिखाया, कथनी और करनी में अंत बलि चढ़ गए इस पूरे अभियान में। देखिए ये जो है जो श्रेय जाता है हमारे जो लड़ाई का जो श्रेय होगा आंदोलन की जो कानून वापसी का, वो सीधे जो है उन किसानों जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को, जो हमारे किसान जेल में बंद हैं उनके परिवार को, जो हमारे किसान बॉर्डर पर हैं उन किसानों को ये श्रेय जाता है। उन्होंने ये आज़ादी की, ये दूसरी आज़ादी थी किसानों की, जो लड़ाई का संकेत जो आज़ादी का जो हम लोगों को मिलने जा रही उसका ये संकेत है कि हम लोग जो है दूसरी लड़ाई जीतने जा रहे हैं। आज जो हमारे सांसद जनप्रतिनिधि कहते हैं कि किसानों की बेड़ियां पड़ गई, बेड़ियां ये किसानों की खुल गई हैं, वो कानून ऐसा था कि किसानों की सारी जमीनें धीरे धीरे जो है पूंजीपतियों के पास चली जाती और किसानों के पास कुछ नहीं रहता। किसान को चाहिए अपनी फसल पर वाजिब मूल्य, जो उन्होंने कहा था वो नहीं करके दिखाया। ये कहते 2022 में किसानों की आमदनी दूनी होगी। मैं उन सांसद जी से महोदय से पूछना चाहता हूँ, कल उन्होंने जो है गन्ना फैक्ट्री में जो है गन्ने चीनी मिल का उद्घाटन किया है, तो उन्हें ये स्टेटमेंट देना चाहिए थे कि हमारी सरकार ने 5 साल में जो है 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। 5 साल में 25 रुपये क्विंटल, 5 रुपये प्रति वर्ष जो है गन्ने का मूल्य जो है बढ़ाया गया, 5 पैसे प्रति क्विंटल जो है प्रति किलो हुआ है, जबकि डीजल पर उन्होंने 36 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने सांसद निधि से, सांसद से इस्तीफा देना जाना चाहिए। पास हुआ, इसे चुनावी स्टंट माना जाए? ये बिल्कुल चुनाव है, क्योंकि 14 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, वहाँ ये 26 पे 6 पर आ गए हैं। उन्हें मालूम पड़ने लगा कि किसान हमसे खिसकने लगा है, और किसान जो है हम लोग जो है गांव में जाते हैं, किन्हीं के जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उन्हें किसान जो है गांव में नहीं घुसने देता है, विरोध करता है। इसीलिए जो है सरकार के पास सारी रिपोर्टें जाती हैं, इसीलिए जो है ये कानून जो है वापस राहुल प्रियंका नहीं, ये जो कहना सरकार योगी जी प्रियंका और अखिलेश योगी जी सरकार चुनाव जो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा क्या होना है। नहीं अभी आपने कुछ तो डिसाइड मान लीजिए सरकार नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं है, अभी कोई डिसाइड नहीं है। जो तो जो किसानों के लिए जो चुनाव स्टंट हुआ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चुनाव में सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव जो सरकार हराएगी उनको जाएंगे हम, तो सरकार उनको हराएगी बताएगा, तो बीजेपी को हराएगा उसी संघ से जाएगा किसान। ऐसा नहीं जो इनको हराएगा उसके साथ चले जाएंगे, हमें सरकार से नहीं देंगे।